झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बोकारो दौरे से पहले नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के लोगों की तलहटी पिंडरा गांव के पास नक्सलियों ने हमला किया। यहां टूटी झरने से थोड़ा पहले नक्सलियों ने सड़क निर्माण काम में लगे लोगों पर हमला बोल लिया। हमले के दौरान नक्सलियों ने एक जेसीबी ट्रैक्टर को आग के हवाले लगा दिया। इस दौरान नक्सलियों ने पिंडरा निवासी मुंशी रमेश मांझी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। नक्सली इतने बेखौफ थे कि सुबह सवेरे 10:30 बजे के आसपास इस हमले को अंजाम दिया गया। घटना को अंजाम देने से पहले नक्सलियों ने मजदूरों को मौके से भगा दिया। घटना की सूचना मिलते ही एएसपी अभियान उमेश कुमार पिंडरा और बेरमो के एसडीपीओ अंजनी अंजन मौके पर पहुंच गए। जवानों के साथ वे पैदल ही घटना स्थल की ओर रवाना हो गए। बोकारो रेंज के डीआईजी प्रभात कुमार ने कहा कि लेवी नहीं देने पर नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि घटना के बाद नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन चला रही है। हम लोगों को ये खबर आया है कि गोमिया और जोगेश्वर विहार के सीमावर्ती क्षेत्र में चिरूबेड़ा के पास एक नक्सली घटना हुई है, जिसमें अभी पुलिस पदाधिकारी और फोर्स वहां पर बस पहुंच ही गए हैं और अभी हम लोग को डिटेल वहां से इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा। अभी तक जो हम लोगों के पास सूचना है उसके हिसाब से वहां आगजनी की घटना कारित की गई है और एक जेसीबी को जला दिया गया है। प्रथम दृष्टया यह कांड नक्सली कांड लग रहा है और इसमें जो घटना का कारण हम लोगों को जो अभी तक समझ में आ रहा है वो लेवी से ही संबंधित है, पर जैसे ही वहाँ पुलिस पदाधिकारी पहुँचते हैं और फर्दर इस के बारे में हम लोगों को जानकारी होती है, हम लोग और डिटेल में बता पाएंगे। उस एरिया में अभी तत्काल कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेस भेजकर हम लोगों ने एक विशेष अभियान भी लॉन्च किया है जिसका फॉलोअप हम लोग कर रहे हैं। वही डीआईजी प्रभात कुमार ने कहा कि हमला करने वाले नक्सली दस्ते पर एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमला करने वाले नक्सलियों की संख्या 8 से 10 के बीच थी। डीआईजी ने कहा कि घटना नक्सल प्रभावित वाले इलाके में हुई है। जानकारी हम लोगों को अभी मिली है, जैसे ही पुलिस वहां पे पहुंचती है कंफर्म होगा, पर जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से वहां पे गोली चलाया गया है और संभवतः वहां जो काम करवा रहे थे मुंशी उनको गोली मार दिया। सड़क निर्माण का कार्य सड़क निर्माण का कार्य होगा। सर, राज्य में नई सरकार गठन के बाद नक्सलियों का कुछ मनोबल बढ़ा, क्या लगता है? कुछ इस तरह की घटनाएं हो रही है? ये अभी हम लोगों को लगातार इस दस्ता के बारे में सूचना यहाँ वहाँ से आ रही थी और हम लोग उसको चेज भी कर रहे थे। आज वाली जो घटना है वो किस परिस्थिति में हुई है और इस दस्ता का लोकेशन विगत 2-3 दिनों में कहाँ था वो भी हम लोग तुरंत पता कर रहे हैं और ये एक घटना है जिसको हम लोग प्रयास करेंगे कि इसका उद्भेदन भी हो और इसमें कार्रवाई भी। कितनी की संख्या में सराय से नक्सल है? जैसे ही पुलिस पदाधिकारी और बाकी लोग वहाँ पहुँचते हैं तो डिटेल हम लोगों को पता चल पाएगा, पर अभी जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 8 से 10 लोगों की। घटना कितने बजे की का आगमन हो रहा है? ऐसे में नक्सली घटना क्या मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, उस एरिया में लगातार नक्सलियों की गतिविधि रही है और पूर्व में भी उस एरिया में नक्सलियों का गतिविधि होता रहा है। वो जो एरिया है हमेशा से नक्सल इन्फेक्टेड है और हम लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। कल भी स्पेशल टीम वहाँ पे गई थी और ऑपरेशन चलाया गया था वहाँ पे, सफलता नहीं मिल पाई थी और संभव है कि कल वाली घटना के बाद कल, क्योंकि लगातार 2 दिनों का जो ऑपरेशन चला था वो बिल्कुल उसी एरिया में चला था और उसके तुरंत बाद ये घटना हुआ है, तो संभव है कि उसके रिएक्शन में भी ये घटना किया गया। सर, ऐसा नहीं लग रहा नक्सली बेखौफ हो गया, रात को घटना को अंजाम देते तो अब दिन दहाड़े दे रहे हैं? ये लेवी से संबंधित मामला समझ में आ रहा है और जब हम लोगों को और डिटेल पता चलेगा तो इसके बारे में डिटेल जानकारी हम लोग दे पाएंगे, पर संभवतः इस कांड को करने के पीछे मकसद यही था कि उस काम को रुकवाना, और काम तो दिन में ही चलता है इसलिए दिन में किया गया। पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ मुहिम चलाना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए बोकारो से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट।